अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने यह बयान दिया और आज अगले दिन उनके आवास पर एक शख्स पिस्टल लेकर चढ़ गया, उसके बाद हड़कंप मच गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। अररिया से बड़ी खबर सामने आई है जहां सांसद के आवास पर एक शख्स पिस्टल लेकर चढ़ गया, उसके बाद तो हड़कंप वाली स्थिति मच गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सांसद के आवास पर भीड़ भाड़ था और इसी बीच एक मुस्लिम शख्स उनके आवास पर अवैध हथियार लेकर पहुंच गया। उसके बाद जब ये पता चला तो वहां पर हड़कंप वाली स्थिति मच गई। इस मामले में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और उस शख्स को पकड़ लिया गया। तो मौके पर एएसपी रामपुकार सिंह पहुंचे, उन्होंने शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी रामपुकार सिंह और सांसद प्रदीप कुमार सिंह, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुन लीजिए आप। सूचना दिया गया था कि हमारे यहाँ जो बल की प्रतिनियुक्ति की गई है उनको पुलिस अधीक्षक महोदय या हम लोग के द्वारा भी यह निर्देश दिया गया है कि जो भी आगंतुक आते हैं उनकी निश्चित रूप से जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो संतरी हमारा यहाँ था, उनके यहाँ जो आगंतुक आ रहे थे उनका जांच करने में के क्रम में उनके कमर में अग्नयास्त्र जो है उसकी सूचना माननीय सांसद के द्वारा दिया गया था। हम लोग उसको तत्काल हिरासत में लिए हैं और इस संबंध में मामला था कि कल जब से गिरिराज जी आए हैं उसके बाद से तरह तरह का टेलीफोन भी आ रहा है और आज सुबह में मैं अपने सिक्योरिटी वाले को कहा, काफ़ी भीड़ थी, हमारे यहाँ जनता दरबार लगता है, मैं रोज़ सुबह बैठता हूँ, तो मैंने आज ही कहा कि सिक्योरिटी वाले को कि जो भी छत से ऊपर आता है उसका जरूर तलाश लो। तो उसी तलाश के क्रम में वो एक घंटा पहले भी यहाँ आया है और यहाँ के लोगों ने हमने खुद कहा है कि जाओ सब निकलो यहाँ से। अब फिर दोबारा वह रेकी करके गया, वो आ रहा था, और उसी क्रम में मेरा सिक्योरिटी वाला उसको चेक किया, वो भागने लगा, तो जब भागने लगा तो उसको दबोच के पकड़ा है, तो उसके कमर से पिस्टल निकला है, लोडेड पिस्टल है। और उसके बाद मैंने अभी एसपी साहब को फ़ोन किया है, मैंने कहा इसका जांच करिए कौन आदमी है, कहाँ का है, क्या है। सर इससे पहले भी आपको जो है गार्ड से मारने की धमकी मिल चुकी थी, वो भी जेल वो तो कई बार धमकी मिला है, इससे पहले भी मिला है धमकी, वो तो मिलते रहता है, उसका परवाह मैं नहीं करता हूँ। अरे मैं तो जनसेवा करने वाला लोग हूँ, सेवा करता हूँ और हम कितना छुपे रहेंगे। इस नाते जिस तरह से अररिया जिला में जो है जन सहयोग हिंदू का जो है निकाला गया था जुलूस, कहीं उसके बाद तो कहीं कोई इस तरह से कोई, अब क्या उसका मानसिकता है ये तो पुलिस बताएगी। इतना जरूर है कि वो पिस्टल लेके मेरे यहाँ क्या करने आएगा, हमको आरती उतारने तो नहीं आया होगा। निश्चित रूप से उसका नियत साफ नहीं था, वो हत्या के गरज से आया था। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कहना है सांसद का और क्या कुछ कह रही है पुलिस। पुलिस ने शख्स को जिसको गिरफ्तार किया है वो बताया जा रहा है कि जो जिसे जो बनगामा निवासी है, ये बनगामा निवासी अब्दुल्ला के रूप में उस शख्स की पहचान हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर हथियार लेकर किस मंशा से वो सांसद के आवास पर पहुंचा था। ये तो एक घंटा पहले आया है, पहले आए हम, पहले आए हैं, ये हमारा पीछे है, हमको सर पूछे कि वो साथ में, हम कह नहीं सर, हम बोलिए मत कहिए भैया। हाँ, खरगोंज हुआ,
कहीं है उसको पुलिस का हैंडल वर्क कीजिए, छोड़िए ना। तुम यहाँ पिस्टल लेके आया क्या? पहले आगे नहीं है, रखते हैं कि वो मासूम से केस जो चल रहा है ना, पहले आगे वो आया है, कोई बात नहीं, जो बात सच है हम वही बात कौन है, हमको हमको वो सर वो बात सच है, हमको बोला कि हेलमेट खोल लीजिए, हम खोल करके हम अंदर आए, यहाँ मुखिया जी बोलेगा ये बैठी है, ये तो बाद में चेक किया इसको, ये जब भाग रहा था तो पकड़ा, दो मिनट में बता रहा हूँ एसपी को फोन कर रहा हूँ, जैसे डांस चेक किया ना मिस्टर, पहले भी हम आए थे जी मैं लिखवा रहा हूँ, पहले हमारा दुश्मन है वो उसी से चल रहा है, चेक हुआ तो कोई बात नहीं है ना, बस इतने में बात खत्म, हाथ पर ना पकड़ा गया, रोड पर से तो नहीं लाया, ठीक ठीक नहीं लाया, ठीक है, हम चढ़ने लगे नहीं भागने लगा, ठीक है सर, हाँ आया था थोड़ी देर पहले में, आया है भैया आपका कार्यकर्ता है। मामला काफी गंभीर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह सीमांचल इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार सीमांचल के इलाकों में वो घूम रहे हैं, पिछले दिनों अररिया पहुंचे थे और अररिया में मंच पर उनके सामने प्रदीप कुमार सिंह ने कह दिया था कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, दरअसल हिंदुओं को जगाने की वो बात कर रहे थे, हिंदुओं से वो कह रहे थे कि आप शादी ब्याह करते हैं तो जात पात में अलग अलग करते हैं, तो बीजेपी सांसद ने ये बात कहा था कि हिंदू बनने में हिंदू कहने में आखिर शर्म कैसी, भले ही आप शादी जात पात में करें लेकिन जब मामला हिंदू एकजुटता का हो तो आप हिंदू खुद को कहें, तो ऐसे में इस बयान को पर काफी कुछ बवाल मच गया, बयान काफी वायरल हो रहा था, आपको बताएं कि जो सीमांचल का इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और इस इलाके में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में सियासत बिहार में हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, और इस सियासत को अब कहीं ना कहीं और भी गरमाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में आज जिस तरह से सांसद के घर पर अचानक एक शख्स पिस्तौल लेकर चढ़ गया और अवैध तरीके से, और इस शख्स का नाम अब्दुल्ला बताया गया, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके बाद पूरा मामला आखिर इस पर अटका हुआ है कि उस शख्स की आखिर मंशा क्या थी, क्या सोचकर ये शख्स जो है पिस्तौल लेकर सांसद के आवास पर गया था, फिलहाल इसकी पूछताछ हो रही है, लेकिन पूरे मामले को लेकर अब हड़कंप वाली स्थिति अररिया में मची हुई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।